अक्सर जब हम यात्रा करते हैं तो उसके पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कई चीज़ों का इंक्वायरी लेना चाहते हैं कि समय से गाड़ी पहुंच रही है या नहीं, किस स्टेशन पर गाड़ियां पहुंच रही हैं, कितनी देरी है, या फिर अन्य तमाम तरीके की जानकारियां हमें चाहनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंक्वायरी में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके बाद से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन रेलवे ने इन तमाम असुविधाओं को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने इंक्वायरी ऑफिस का नाम यानी इंक्वायरी बूथ का नाम इंक्वायरी हटा करके सहयोग के नाम दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय रेल के जरिए से रोज़ाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। कम किराए और कम समय में यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रेलवे भी यात्रियों की सुविधाओं का काफ़ी ध्यान रखता है और बीते दिनों रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन से मौजूद इंक्वायरी बूथ के नाम को बदल दिया गया है। यह अब आने वाले समय में सहयोग के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जोनल रेलवे को पूछताछ बूथ इंक्वायरी बूथ के नाम को सहयोग में नाम में बदल देना और इसी को लेकर सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद इंक्वायरी बूथ यात्रियों की काफ़ी मदद के लिए, साथ ही अहम जानकारियों के लिए इन चीज़ों में बदलाव किया गया है। साथ ही आपको बता दें चले कि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए समय समय पर कई बदलाव करते रहता है। उन्हीं में से एक ये है कि इंक्वायरी बूथ का नाम बदल करके सहयोग कर दिया गया है। साथ ही साथ ट्रेन में सफ़र करने के दौरान कई बार कुछ स्टेशन पर जाकर यात्रियों को ऐसा लगता है कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है या फिर कुछ सुविधाएँ प्राप्त करने में वे असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए देश के 9 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मचारियों का तैनात करने का फैसला किया है। या 1 अगस्त यानी कल से ही ये फैसला लिया गया है। 9 स्टेशन पर यात्रियों को प्राइवेट कर्मचारियों से सहायता मिल सकेगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी कई जिम्मेदारियां प्राइवेट कर्मचारियों की तैनाती से आसान हो जाएगी। इनमें अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, कोच गाइडेंस और क्लर्क रूम की जिम्मेदारी भी निजी कर्मचारियों के हाथ में रहेगी। इसके लिए रेलवे ने निजी कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी है कि उनके कर्मचारियों को रेलवे ने ट्रेनिंग के जरिए ये समझाया जाए कि कैसे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उनकी हर परेशानियों को कैसे हल किया जाए। इन सेवा की शुरुआत सबसे पहले लखनऊ जोन से हो रही है। फर्स्ट फेज में गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन समेत 9 स्टेशनों पर निजी कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। हर स्टेशन पर निजी कंपनियों के 15 कर्मचारियों को रखा जाएगा, जो यात्रियों की जानकारी देने का काम करेंगे। असल में इससे पहले ये जिम्मेदारी रेलवे के कर्मचारियों की होती थी, लेकिन कई बार रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा जो यात्री हैं उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि उन्हें भटकाव जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने 1 अगस्त से ये फैसला लिया है, यानी कि रेलवे ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक जो इंक्वायरी बूथ है उसका नाम सहयोग कर दिया गया, और दूसरा रेलवे ने 9 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, यानी कि प्राइवेट कर्मचारी अब वहाँ पर रखे जाएंगे ताकि यात्रियों को सुविधाएँ होंगी। और इसकी शुरुआत लखनऊ गोरखपुर से की जा रही है, और धीरे धीरे अगर ये सक्सेस रहा तो पूरे देश में ये चीज़ें की जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।